अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैर हैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज अचार की रेसिपी दिखाई जाए आपको। तो मेरा दिल काफ़ी कर रहा था कि मैं अचार बनाऊँ, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि कुछ दिन सब्र कर जाओ तो बना देंगे तुम्हें। लेकिन मैंने बोला कि मुझे खाने का आप दिल कर रहा है तो बाद में क्या। तो भाई को मैंने बोला है कि आम का ले आओ। कल उसने आम लाए और उसको छोटे छोटे पीस किए और उसको नमक लगा के रख दिया था। तो अभी हम शुरू करने लगे, इतने ज़्यादा नहीं काटे, थोड़े से लाए थे मेरे लिए। तो अभी आपको दिखाते हैं आम जो हमने काटे थे। आम के अचार डालने के लिए मसाले यूज़ होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये कुछ मसाले जात हैं, ये है जी नमक, ये कलजीरी और ये मेथरे, ये मेथरे हैं जी, और ये धनिया है, साबुत धनिया, इसको हमने लंगरी में पीसवाया है। तो ये हैं जी दरफल मिर्चें, ये हैं जी सुर्ख मिर्चें, ये हल्दी है जी। तो अभी एक मसाला रह गया जी, वो भी आपको दिखाता हूँ जी। ये हैं जी सौंफ खुशबू के लिए। सबसे अहम चीज़ रह गया जी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि खालस सरसों का तेल जो मैंने अभी भाईजान से मंगवाया है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का तेल है जी। ये सारे मसाले हम अचार डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें जी आप शुरू करते हैं, आपको साथ साथ दिखाते भी हैं। आम तो मैंने आपको दिखाए नहीं है, ये देखें जी आम, देखें जी बड़ा ज़बरदस्त इनका कलर है। हमने कल खुश करके रख लिए थे, तो अभी ये चार डालने के काबिल हो गए हैं जी। ये अभी हम सरसों का तेल डालने लगे हैं जी, आराम से डालें जी। ये अभी हम मिक्स करने लगे हैं जी सारा मसाला, ये देखें जी माशाल्लाह कलर ज़बरदस्त लग रहा है जी, खुशबू भी काफ़ी आ रही है जी। रेडी हो चुका है, अभी हम इसमें आम ऐड करेंगे जी। अभी इसमें आम ऐड कर रहे हैं जी, सारे हम आम ऐड करेंगे। ये आप देखें जी काफ़ी हो गए हैं जी आम, अभी और डालेंगे जी। हम साथ साथ मिक्स भी कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ मसाला लग जाए। ये देखें कलर तो काफ़ी नाइस है जी, आप भी घर में ट्राई करें जी और कमेंट में बताना है जी आपने मुझे भी कि किस किस ने अचार डाला है जी घर में। दूसरी मम्मी में मसाला डाला है जी, सारे हम इधर डाल दिए क्योंकि वो छोटी थी, इस वजह से हमने इधर ऐड कर लिया जी। इसमें हमने इसलिए डाला है क्योंकि उसमें मिक्स नहीं हो रहे थे, तो हमने इस वजह से बड़े बर्तन में डाला है क्योंकि मिक्स करेंगे हम, इसमें बआसानी से मिक्स हो जाएंगे। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त मिक्स हो रहा है जी बआसानी से। ये अभी हमने सरसों का तेल ऐड किया जी और मज़ीद, कम था जी और ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल जिसमें हमने अचार डाला है। ये अभी हम इसमें सारा ऐड करेंगे जी बाटी में अचार, ये देखें इसमें ये देखें जी हमने सारा ऐड कर लिया है जी बाल्टी में। हमारा अचार रेडी हो गया जी, ये देखें हमने सारे फार्मूले इसमें पूरे कर लिए हैं जी। ये देखें कलर इसका चेक करें। उम्मीद करता हूँ जी आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।